हेलो स्टूडेंट्स, फिर हम इसका अगला पार्ट और डिस्कस करेंगे। इसका अगला पार्ट है, इसका पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ क्या है? पार्ट फिफ्थ देखिए, पार्ट फिफ्थ है रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई। अब इस फिफ्थ का ए पार्ट है आर इजक्ल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, और एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पे साल्व करते हैं। तो हमको ये शो करना है कि सो दैट रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर, इसको हमको बताना है यहाँ से कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिए। आर इजक्ल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स और वाई दोनों क्या करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं। अब हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ए क्या है? ए द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी लोकेलिटी में जो आदमी रहता है उसी का सेट है। तो और इसमें एक रिलेशन है, यानी आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टिजन प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कि ये बाइनरी रिलेशन है। अब यहाँ पर मान लेते हैं, हम लेट करते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू ए, यानी स्मॉल ए इस लोकेलिटी का कोई पर्सन है, देन ए ए बिलोंग्स टू आर। अगर कोई पर्सन है तो ए बिलोंग करेगा आर को, रिलेशन में बिलोंग करेगा ये आर्डर पेयर ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि जो ये पर्सन है वही ए पर्सन है। इस पर्सन का अगर नाम हम ए मानते हैं तो इस पर्सन का नाम भी ए होगा। बोथ ए आर सेम देन आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, ए और बी दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, तो इसी को ठीक ऐसे भी कह सकते हैं हम, बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस इज इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन आर इज सिमेट्रिक। अब फिर इसके आगे है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, और बी सी भी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब है बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। तो जहां ए काम करता है वहीं बी भी वर्क करता है, जहां बी वर्क करता है वहीं सी, तो इसका मतलब ए और सी भी वहीं एक ही प्लेस पर काम करते हैं। ए एंड सी वर्क एट सेम प्लेस इज इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन आर इज ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि सो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इजक्ल टू ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नार सेमेट्रिक नार ट्रांजिटिव, ये प्रूफ करना है हमको। ये एनसीईआरटी का सेकेंड क्वेश्चन है, यानी आर इन आर, ये आर है सेट ऑफ रियल नंबर और ये आर रिलेशन है, इसका मतलब आर यहाँ भी बाइनरी रिलेशन है, आर इज सबसेट ऑफ आर कार्टिजन प्रोडक्ट आर है, और रिलेशन है आर इजक्ल टू ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू बी स्क्वायर से लेस या इक्वल है। अब इसको हमको ये दिखाना है कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नार सिमेट्रिक नार ट्रांजिटिव है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर इजक्ल टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं कि लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1/2 रियल नंबर है, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1/2 आर के अंदर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/2 नॉट लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1/2 के होल स्क्वायर से लेस नहीं है, इसलिए इसका एलिमेंट नहीं है। देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, कोई एक एलिमेंट लेकर के हम रिफ्लेक्सिव नहीं है
ये प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 1/2 लिया है, आप कोई और ले सकते हैं। सेकंड में 2, 5 बिलोंग्स टू आर, 2 और 5 रियल नंबर्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि इफ़ 2, 5 बिलोंग्स टू आर, तो 2 के ये ए है ये बी है, यानी 2, 5 के स्क्वायर से लेस होना चाहिए। 2 इज़ लेस देन 5 का स्क्वायर, तो ठीक है, 2 लेस 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 2 उससे लेस है। बट 5, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो 5, 2 क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि ए जहाँ है वहाँ 5 है, जहाँ बी है वहाँ 2 है। 5 डज नॉट लेस देन 5, 2 का स्क्वायर, 5, 2 के स्क्वायर से लेस नहीं है। 5 इज़ नॉट लेस देन, यहाँ नॉट का साइन होगा, 5 नॉट लेस देन, 5 इज नॉट लेस देन 2 का स्क्वायर, देन आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, 3 - 2 - 1 बिलोंग्स टू आर, 3 - 2 - 1 बिलोंग्स टू आर। अब मान लेते हैं कि ये रियल नंबर है, 3 भी, -2 और -1 भी, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। देन इफ 3, 2 बिलोंग्स टू आर एंड -2 - 1 बिलोंग्स टू आर, 3 लेस देन -2 का स्क्वायर, 3 - 2 के स्क्वायर से लेस है, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3 उससे लेस है। एंड -2 लेस देन -1 का स्क्वायर, -2 - 1 के स्क्वायर से लेस है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 निगेटिव है इसलिए लेस है। बट 3 - 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3 - 1 आर का एलिमेंट नहीं है। देन 3 इज नॉट लेस देन -1 का स्क्वायर, देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए आर ट्रांजिटिव नहीं है। ओके.